अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे, जो सिंपल भी होगा और आसानी से बन जाने वाला भी होगा। आप किसी भी फंक्शन में कहीं भी पहन सकते हैं। तो आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, तो मैं आज आपको इसकी डिज़ाइनिंग का तरीका बताऊँगी। बिल्कुल आसान सा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 इंच का गैप दे के यहाँ पर फोल्ड करके आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लूँगी। आप कपड़े के ऊपर जितनी ज़्यादा आयरन को यूज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके कपड़े में सफाई होती है, या वो कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप कोई भी स्टिचिंग वाला चैनल देखते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा नीट चीज़ें देखते हैं, तो उसमें आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखा करें कि आयरन का यूज़ आप साथ साथ किया करें। तो यहाँ पर ऊपर भी वाली साइड पर भी ये देखिए, मैं यहाँ पर 1 इंच का गैप दे के तो इसको अगेन जो है वो फोल्ड कर लूँगी। ये इसकी दूसरी फोल्डिंग आ जाएगी और इसको इस तरह से मैं मोड़ूंगी और यहाँ पर भी मैं आयरन की मदद से इसको यहाँ पे भी प्रेस कर लूंगी। यहाँ पे मैं 1 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगा लूंगी। ये इसकी प्लेट्स टल जाएंगी। ये देखें, एक प्लेट इसकी डल गई। अब दूसरी भी इसी तरह से 1 इंच के गैप पे मैं इसकी एक प्लेट जो है वो डालूंगी। यहाँ पे भी मैं इसकी सिलाई लगा लूंगी। जहाँ पे मैंने फोल्डिंग का निशान लगाया वहां पर जो है वो साथ साथ मैं इसकी सिलाई लगाती जाऊंगी। और जितनी आपनी चौड़ी प्लेट्स डालनी है, अगर आप 1/2 इंच की भी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच की प्लेट्स डालूंगी। ये देखिए इस तरह से, ये इससे ये है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही हैं, हल्की अलग अलग हैं। इसी तरह से जितनी बाकी प्लेट्स डालनी है वो भी मैं इसके साथ डालूंगी। एक मैंने आगे डाली है, दूसरी दो, और ये मैं इसके साथ तीसरी प्लेट डालूंगी और इसके ऊपर भी मैं इसके साथ सिलाई लगा लूंगी। ये हमने तले 3 जो है वो प्लेट्स डाल ली हैं, नीचे से मैंने कपड़े को फोल्ड नहीं किया है। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 2 इंच के गैप पे मैं निशान लगा लूंगी, यहाँ पर भी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, ये मैंने दोनों सिलाई लगा ली है ताकि ये प्लेट्स जो हैं ये नीचे वाली साइड पे ना हो।
अब ये हमारे पास कपड़ा है, मैंने ये फोल्डिंग में ले लिया है और इस तरह से, और इसकी मैं जो है वो छोटी छोटी प्लेट्स डालूंगी। ये मैंने तकरीबन 1 इंचीज इसकी विड्थ रखी है इस कपड़े की, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से इसकी मैं छोटी छोटी प्लेट्स डालती जाऊंगी, और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल साथ साथ प्लेट्स डाल के तो मैं इसकी सिलाई लगा लूंगी। आप एक दफ़ा आयरन की मदद से इसको इसकी प्लेट्स डाल लें, और प्लेट्स डालने के बाद जो है वो आप इसकी एक साइड पे सिलाई लगा लें। उसके बाद ये जो प्लेट्स है ये मैं जो मैंने डाली थी वो नीचे वाली फ्रेल में, वो भी इसके साथ जो है वो मैं सिलाई कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। मैंने नीचे वाली साइड पे इसकी सारी सिलाई लगाई है, और अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी जो इसको नीट कर देगी। बिल्कुल नीट सी आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट रख के कपड़े को। ये हमारे पास कुछ मोती हैं और ये वाइट कलर में मैंने लिए हैं, और इनको मैं यहाँ पे ट्राउज़र के नीचे इस जगह पे करके लगा लूँगी। आप भी इसको किसी भी डिज़ाइन में किसी भी जगह पे आप किसी तरह से भी आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ पे चूज़ करूँगी। ये मैंने इस तरह से मोती लगाए हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सिंपल डिज़ाइन है ट्राउज़र का। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये ट्राउज़र डिज़ाइन कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।